स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उनकी जो फर्स्ट बुक है विश्व राजनीति की, इसके 6 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। केवल एक पहली बुक के 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही बनते हैं, जो कि आपके मैंने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स एवं बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उससे लिए हैं, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो सिंपल पूछा जाएगा शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण रहे, अलग तरीके से पूछा जाएगा उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनकी वजह से शीत युद्ध समाप्त हो गया। फिर इस तरह से शीत युद्ध ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया, लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये कोहराम जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। पहले तो एक छोटी सी भूमिका बनाएंगे 3 से 4 लाइन की, कि शीत युद्ध की वजह से दोनों ही महाशक्तियों का सैन्य खर्चा बढ़ने लगा, क्योंकि एक देश दूसरे देश की मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए जा रहे थे। इसी वजह से दोनों महाशक्तियों ने यह तय किया कि आपस में समझौता करेंगे और इन हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाएंगे। तो सबसे पहला कदम उठाया इन्होंने, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण किया। दोनों ही महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों का भंडार था और दोनों को ही पता था अगर युद्ध हुआ तो दोनों को ही नुकसान होना है, इसलिए इस युद्ध को समाप्त करने की बात इन्होंने समझी, जिसके तहत इन्होंने आपस में कई संधियाँ की, जिनमें से सबसे पहले इन्होंने संधि की परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, NPT। इस संधि के तहत देशों को परमाणु संपन्न माना जाएगा, यानी कि इस संधि के तहत उन्हीं देशों को परमाणु संपन्न माना जाएगा जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके थे। इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं कर सकता। दूसरा था परमाणु अस्त्र परिसीमन संधि, साल्ट स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ विशेष हथियारों को लेकर उनके उत्पादन पर रोक लगाने के लिए ये संधि की थी। तीसरी है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी कि यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु के हथियारों पर परीक्षण जो करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। तो परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए NPT, साल्ट और LTBT ये इन्होंने संधियाँ की थी। दूसरा पॉइंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों ने अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने सभी 9 स्वतंत्र देशों जो देश थे वो शामिल हुए थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी महाशक्ति की आलोचना कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है आर्थिक कारक। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना को अधिक क्षति पहुंची। रूसी नेता को यह एहसास हुआ कि संसाधनों का उपयोग हथियार निर्माण की जगह यदि देश के विकास में लगाया जाए तो उससे सोवियत संघ और अमेरिका को दोस्ताना जो रास्ता है वो अपना लेना चाहिए, ठीक है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के ये 3 कारण थे, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका और आर्थिक कारक। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट आप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 2nd। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर बार 6 मार्क्स में पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, या फिर उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनकी वजह से सोवियत संघ समाप्त हो गया, या फिर शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे कि एक बहुत लंबे समय तक विश्व में सोवियत संघ और अमेरिका ये महाशक्ति बने रहे, लेकिन निम्नलिखित कारणों की वजह से इनका विघटन हो गया। किसका? एक महाशक्ति सोवियत संघ का विघटन हुआ। सबसे पहला कारण था एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। सोवियत संघ में लगभग 70 सालों तक एक ही पार्टी का शासन रहा था एवं इस पार्टी के नेता जो थे वो अपने विशेष अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था एवं नागरिक इन नेताओं से असंतुष्ट हो गए थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नागरिक एवं मीडिया का असंतुष्ट होना। नागरिकों को अभिव्यक्ति व आलोचना का अधिकार नहीं दिया गया था एवं मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, जिससे कि नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना ही तो मीडिया कुछ कर पा रही थी। तीसरा है सोवियत संघ का हथियारों के प्रति मोह, यानी कि अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन।
सोवियत संघ ने अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हथियार बनाने में एवं उनका संचय करने में लगाया, जिस कारण सोवियत संघ के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई एवं सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट बचता है मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियाँ। क्या है कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा जो हालांकि नीतियाँ तो लागू कर दी गई परंतु उनके सुधार की गति बहुत धीमी थी, इसलिए वहाँ के नागरिकों का गुस्सा उभर कर सामने आया। मिखाइल गोर्बाचेव ने एक दलीय व्यवस्था को ख़त्म करना चाहा तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव की इस नीति का विरोध किया, क्योंकि इनसे उन नेताओं के सभी विशेष अधिकार समाप्त कर दिए जाते। ठीक है, तो उपरोक्त सभी वर्णित चार कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन था वो इन कारणों की वजह से हुआ था। एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार, नागरिक एवं मीडिया का असंतुष्ट होना, सोवियत संघ का हथियारों के प्रति मोह और मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियाँ। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के संदर्भ में। देखिए क्या है कि चीन के द्वारा अपनाई गई जो अर्थव्यवस्था थी, उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसके नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिए, या फिर चीन की उदारवादी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक चीन के विकास में कामयाब रही लेकिन इस व्यवस्था ने चीन को काफ़ी कमज़ोर भी कर दिया, या फिर इस तरह से चीन एक विश्व की महाशक्ति है, आप यह किस प्रकार कह सकते हैं। इस प्रश्न में क्या है, आपको इसके सकारात्मक पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीन द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक परिणाम, सबसे पहला है बेरोजगारी में वृद्धि। चीन के आर्थिक विकास के साथ साथ बेरोजगारी में इसमें वृद्धि होती गई। एक आंकड़े के अनुसार, 2010 के आंकड़े के अनुसार यह पता चलता है कि चीन की लगभग 12% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी 2010 के आंकड़ों के अनुसार। फिर है आर्थिक असमानता। विदेशी कंपनियों के आ जाने की वजह से कुटीर उद्योग यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे एवं इसका फ़ायदा मात्र व्यापारी एवं धनी वर्गों को हुआ। इस प्रकार समाज में एक अमीर एवं गरीब के वर्ग का जो फासला था वो और अधिक बढ़ता गया। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार की समस्या। उद्योगों की स्थापना के कारण उद्योगों की स्थापना के कारण जो पर्यावरण था वो अधिक प्रदूषित होने लगा। इसका बहुत बड़ा प्रभाव राजनीतिक लोगों पर भी पड़ा जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और भी बढ़ता चला गया था। ठीक है, तो चीन द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के ये नकारात्मक परिणाम थे। अगला देखिए क्वेश्चन उसी में ही है कि चीन के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणाम, या फिर चीन विश्व की एक महाशक्ति है उसके क्या कारण है। चीन की अर्थव्यवस्था उदारीकरण के बाद बहुत तेज़ी से ये मजबूत होती चली गई। चीन एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। फोर्थ पॉइंट है विश्व में लगभग 80% इलेक्ट्रॉनिक सामान अकेले चीन के द्वारा निर्यात किया जाता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात एवं जो सीमेंट है इसका उत्पादक देश है। दुनिया के बड़े बड़े संगठन जैसे G8, G20, WTO एवं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी चीन है अभी। ठीक है, फिर 7 है अनुमान लगाया जाता है कि जिस प्रकार चीन वर्तमान में विकास कर रहा है अगर उसकी विकास की रफ्तार यही रही तो आने वाले 2040 तक यह अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कि चीन के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलू क्या थे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंधों का वर्णन कीजिए। देखिए चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, जब ये पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के संबंधों का वर्णन कीजिए तो याद रखिए आपको इसके नकारात्मक और सकारात्मक यानी कि मतभेद के कारण और अच्छे संबंध दोनों ही बताने हैं। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात दोनों देशों के बीच 1948 के युद्ध के बाद कश्मीर दो हिस्सों में बट गया। एक तो एक हिस्सा बन गया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और एक जम्मू कश्मीर प्रांत बना था। फिर देखिए अगला दूसरा पॉइंट है कि 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, इसको लेकर मतभेद है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर मतभेद है। फोर्थ है, कच्छ के रण में जो सरकारी सीमा रेखा है इसको लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। ठीक है,
तो भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद के ये 3 से 4 कारण हैं। अब इन्होंने अच्छे मतलब भारत और पाकिस्तान ने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए। सबसे पहला था लाहौर बस सेवा जो कि नाकामयाब रही। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1999 में दोनों देशों के बीच लाहौर बस सेवा की शुरुआत की गई, परंतु कारगिल युद्ध के बाद इस बस सेवा को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट है क्रिकेट टीम का दौरा। सन 2004 में भारत पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया गया था। यह पहली और आखिरी श्रृंखला थी। इसके बाद भारतीय टीम पाकिस्तान में कभी खेलने नहीं गई। और 2004 में जो क्रिकेट टीम का दौरा था, इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा एवं इसने जीत भी हासिल की थी। तीसरा और चौथा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है साफ्टा पर हस्ताक्षर। दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2004 में एक ही साथ साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे। फोर्थ है सीमेंट पर आयात शुल्क समाप्त। पाकिस्तान से भारत में आने वाले सीमेंट पर जो आयात शुल्क था उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का वर्णन इस तरह से हम करेंगे, पहले मतभेद के कारण और उसके बाद अच्छे संबंध। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन कीजिए, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना अभी आवश्यक क्यों है, या फिर क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी आवश्यक है, अपने विचार लिखिए। तो इस संबंध में एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे 3 से 4 लाइन की, ये थोड़ी बड़ी है, 3 से 4 लाइन की लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को युद्ध रोकने एवं शांति स्थापना के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिनको सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में होना आवश्यक है। सबसे पहली समस्या है सबसे पहला पॉइंट है वाद विवाद का एक वैश्विक मंच। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा वैश्विक मंच है जहां विभिन्न देश के नेता अपनी बात को कहने एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद करने का उन्हें अधिकार प्राप्त होता है, जो कि वैश्विक स्तर पर होता है। दूसरा पॉइंट है साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए। कई देशों को उपनिवेशवाद के चंगुल से निकालने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अहम भूमिका निभाई है। जैसे इंडोनेशिया को डचों के हाथों से स्वतंत्र करवाया है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति की समाप्ति की है, एवं अभी कुछ देश और ऐसे हैं जहां पर साम्राज्यवाद की समाप्ति की जानी चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है शांति स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के कई अशांत देशों में जैसे अफगानिस्तान, कुवैत, सोमालिया आदि में अपनी सेना को भेजकर शांति का माहौल बनाने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शीत युद्ध के दौरान ऐसे कई संकटों का निदान कर पाया जिससे संपूर्ण विश्व को खतरा पैदा हो जाता था, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया संकट, भारत पाकिस्तान 1948 का जो युद्ध था, इसे हस्तक्षेप करके शांति स्थापना की थी। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है देशों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो विभिन्न देशों में श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए अनाज, दूध उत्पादन, बीमारियों की रोकथाम के लिए, अकाल पड़ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, ऐसी स्थितियों में उन देशों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, संभालने के लिए, उनके विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में होना आवश्यक है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण से क्या तात्पर्य है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में होना आवश्यक है। ठीक है, इसने 2 कदम उठाए हैं। सबसे पहला है पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में ब्राजील के रूम नामक स्थान पर यह सम्मेलन बुलाया गया ताकि दूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ उपाय निकाले जा सकें। और फिर सेकेंड है संयुक्त राष्ट्र संघ के एक संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बताया गया कि तापमान की उत्पत्ति के लिए सबसे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, जो देश इसका उत्सर्जन अधिक करते हैं उन पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन कीजिए, इस तरह से करेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर जो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 मार्क्स का, इसमें से 2 मार्क्स के 4 मार्क्स से बहुत से प्रश्न निकलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे क्या है प्रश्न।
वैश्वीकरण के परिणामों को बताइए। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिणामों की चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण के नकारात्मक, सकारात्मक परिणामों को लिखिए। वैश्वीकरण के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिणामों के नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो लिखेंगे वैश्वीकरण है क्या। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश से अन्य देशों के बीच में वस्तु, विचार, पूंजी का आदान प्रदान यानी कि प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। अब वैश्वीकरण के निम्नलिखित परिणाम हैं। सबसे पहले हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। तो इसमें से दो सकारात्मक हैं और दो नकारात्मक हैं। सकारात्मक ये वाले हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की सरकार को नई नई आधुनिक प्रौद्योगिकी तकनीकें मिलती हैं जिनके कारण इन्हें शासन चलाने में बहुत आसानी होती है। पर्यावरण, कानून व्यवस्था, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने कार्यों को आज देश की सरकारें सोच समझ कर इस क्षेत्र में कदम उठाती हैं। और वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम देखिए ये दो हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्यों की सरकार जो है, सरकार की क्षमता अर्थात उनकी ताकत में कमी आती जा रही है। लगभग उनका जो वैश्वीकरण के कारण जो राज्यों की ताकत है उसका दायरा सीमित होता जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण राज्य में जो सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किए जाते थे उनमें भी कमी आती जा रही है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के राजनीतिक, सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम आई होप समझ में आ गए होंगे। फिर देखिए दूसरा है वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणामों में सबसे पहले हैं सकारात्मक। सकारात्मक में पहला पॉइंट है विदेशी व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। जो विदेशी मुद्रा होती है उसमें बढ़ोतरी होती है जिनके कारण देशों में उद्योग जो हैं उनकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है सकारात्मक में कि वस्तु की गुणवत्ता में सुधार। वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव से देश तथा विदेशों में कंपनी, मतलब किसी देश में विदेशी कंपनियां आती हैं तो उसकी वजह से बाजारों में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है तथा वस्तु जो है वो कम से कम दामों पर और अधिक गुणवत्ता वाली लोगों तक पहुंच रही है, अच्छी गुणवत्ता वाली लोगों तक पहुंच रही है। तीसरा है प्रौद्योगिकी का विकास। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का प्रचार प्रसार इतना अधिक हो चुका है कि कई देश विदेशों में उद्योग तथा तकनीकों में वृद्धि होती जा रही है। अब इसके नकारात्मक परिणाम देख लीजिए। वैश्वीकरण के आर्थिक नकारात्मक परिणाम, पहला है छोटे उद्योगों का पतन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि एक साथ बहुत सारे देशों से व्यापार करती हैं, इनकी वजह से छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, जो लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, सॉरी जो कुटीर उद्योग हैं, उनका व्यापार छिन गया है, वे उद्योग खत्म होते चले गए हैं। दूसरा है असमान विकास। वैश्वीकरण के कारण समाज जो है समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ है। एक तरफ वह है जो पहले से ही अमीर था, अब और अमीर हो गया है। एक तरफ वह है जो पहले से ही गरीब था, वह और अब गरीब हो गया है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के आर्थिक ये परिणाम थे। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। सांस्कृतिक परिणामों में पहला है मिलीजुली संस्कृति का विकास। ये सकारात्मक है। वैश्वीकरण के कारण आज एक देश दूसरे देश की संस्कृति को जान रहे हैं, उसके आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे की देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। ठीक है, और है महिलाओं की स्थिति में सुधार। संस्कृति के विकास के बारे में यह जानकारी है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। यदि किसी देश की महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो वहाँ पे पक्का है कि जो संस्कृति है वो भी अच्छी ही होगी। ठीक है, फिर सकारात्मक में तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक वैश्वीकरण होने के कारण लोगों के खान पान, रहन सहन आदतों में बदलाव आ रहा है। ये आप सकारात्मक में भी डाल सकते हैं और नकारात्मक में भी। अब नकारात्मक परिणाम देखिए, पश्चिमी संस्कृति का विकास। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है एवं लोग इसे अपना रहे हैं। इसकी वजह से अपनी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। दूसरा है अंग्रेजी को महत्व। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। आई होप वैश्वीकरण के जो परिणाम हैं वो आपको पता चले होंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप क्वेश्चन 6 आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष की एक बहुत लंबी कहानी रही है जिसे हम निम्नलिखित कथनों से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, श्रीलंका में स्थित जो सिंगली हैं ये मूल निवासी हैं जो कि बहुसंख्यक हैं, लेकिन श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तमिलों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। 1948 के श्रीलंकाई चुनावों में सरकार बनी, ठीक है, जो कि सिंगली और तमिलों के साथ समान व्यवहार रखते थे।
इस बात से जो सिंगली मूल निवासी थे वो नाराज हुए एवं 1951 के चुनाव में श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी के जो सुलेमान भंडार नायके थे, इन्होंने जो सरकार थी इसकी बागडोर संभाली और यह पार्टी कट्टरपंथी थी जो केवल सिंगली के लिए काम करती थी एवं इन्होंने तमिलों को भगाने के लिए कई कदम उठाए। ठीक है, तमिलों को भगाने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से पहला है कि सिंगली भाषा को श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, बस परिवहन बंदरगाह जिस पर मुख्य तमिलों का नियंत्रण था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जिससे तमिलों का रोजगार छिन गया। फिर तीसरा पॉइंट कि तमिलों का जो विदेशी आवास प्रमाण पत्र था इसको नवीनीकरण करने से मना कर दिया जिससे कि वो श्रीलंका में नहीं रह पाएंगे और फिर उन्हें भारत वापस जाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र नागरिकता एवं नए राज्य की मांग को श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। इन सब के बाद 1978 में तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए एक संगठन लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम इसकी स्थापना की, लेकिन ये बहुत कामयाब नहीं रहा। बहुत ही जल्द इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इसे वहीं पे निरस्त कर दिया। ठीक है, फिर 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत कहा गया कि श्रीलंका का विभाजन नहीं होगा बल्कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भागों को मिलाकर एक विधानसभा जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, फिर देखिए पांचवा और छठा पॉइंट क्या है कि 1987 को भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका भेजी परंतु किन्हीं कारणों की वजह से यह असफल रही और 1989 में इसे वापस बुला लिया गया। यूरोपीय संघ के कहने पर फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन तथा नॉर्वे के प्रतिनिधियों ने श्रीलंका में उपस्थित दोनों जातियों के बीच इस संघर्ष को बनाए रखने, मतलब इस संघर्ष को ख़त्म करने की, शांति बनाए रखने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये था श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चला था उसके बारे में। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या है कि नव अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था का, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट, शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित लगभग सभी देश वह थे जो कि अभी अभी आज़ाद हुए थे एवं गरीब तथा अल्पविकसित थे। उस समय इन देशों के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे अपना आर्थिक विकास कैसे करें तथा गरीबी के जाल से कैसे निकलें। इसी कारणवश तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई और मांग की कि उन्हें भी विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। इसी मांग को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ और व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास के संदर्भ में UNCTD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गईं वो जानना जरूरी है। ठीक है, क्या क्या कहा गया, पहला पॉइंट, अल्पविकसित देश जो हैं, अल्पविकसित देशों का अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। अल्पविकसित देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार करने का मौका मिलेगा। विकसित देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी तकनीक जो है उसकी कीमत अल्पविकसित देशों में कम होगी। अल्पविकसित देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में विकसित देशों की तरह ही महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो विश्व व्यवस्था है उसके बारे में आप ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 8 आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा प्रश्न था लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शॉक थेरेपी के परिणामों की व्याख्या कीजिए। शॉक थेरेपी जो है इसके क्या परिणाम थे? तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना जिसके निम्नलिखित परिणाम निकले। सबसे पहले लिखेंगे आर्थिक परिणामों के बारे में। आर्थिक परिणाम, सबसे पहला गराज सेल। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ऐसा हुआ था इसलिए इस व्यवस्था को गराज सेल के नाम से भी कहा गया है। विदेशी कर्जा, अर्थव्यवस्था के पिछड़ जाने के कारण उसे आर्थिक विकास के लिए कर्जा लेना पड़ा था। फिर है रूसी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया यानी कि रूसी मुद्रा जो थी उसकी गिरावट आ गई। GDP में भी गिरावट आई। 1990 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद सोवियत संघ थे उसके विघटन के पश्चात बहुत कम हो गया। सामूहिक कृषि से निजी कृषि की शुरुआत की गई जिसकी वजह से समाज में विभिन्नताएँ उत्पन्न होने लगी।
ठीक है, तो ये आर्थिक परिणाम थे। फिर देखिए सामाजिक परिणाम, पहला है माफिया वर्ग का उदय। समाज में एक ऐसे नए वर्ग का उदय हुआ जो गरीबों का घर छीन लेते थे और उनका शोषण करते थे। फिर है हिंसा और पलायन, जो लोग पढ़े लिखे थे वह इन अत्याचारों को ना सह पाए और वहाँ से चले गए, और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। ठीक है, तो ये सामाजिक परिणाम थे। फिर शॉक थेरेपी के देखिए राजनीतिक परिणाम क्या था। शॉक थेरेपी का राजनीतिक परिणाम, एक सेकेंड, हाँ शॉक थेरेपी के देखिए राजनीतिक परिणाम क्या है, कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नव स्वतंत्र देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद विचारधारा को अपनाया गया था। ऐसे देशों का संविधान जल्दी जल्दी में बनाया गया था, जिसकी वजह से कुछ गलतियां इनके संविधान में रह गईं, जिसका फ़ायदा उठाकर नेताओं ने ऐसे देशों को एक तानाशाह के रूप में बदल दिया, उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, सरकार के द्वारा जनता को दिया जाने वाला एक जो सुरक्षा कवच होता है वो भी समाप्त हो गया था। तो शॉक थेरेपी के ये निम्नलिखित परिणाम थे। सबसे पहले आर्थिक, जिसमें गरजशील विदेशी कर्जा, जीडीपी में गिरावट, दूसरी मुद्रा का मूल्यांकन, ये समझा। दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिणाम, माफिया वर्ग का उदय, हिंसा और पलायन, और तीसरा था राजनीतिक परिणाम। आई होप क्वेश्चन 9 आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इस वीडियो के इस फर्स्ट बुक के लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, भारत तथा बांग्लादेश के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। देखिए पहले बताया है जब संबंध पूछे जाएं, केवल संबंध, तो आपको अच्छे भी बताने और बुरे भी बताने हैं। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध कभी मतलब समय समय पर ख़राब होते रहे हैं, जो कि 1971 के पश्चात काफ़ी अच्छे हुए थे। तो सबसे पहले तो विवाद के मुद्दे बताएंगे। सबसे पहला भारत तथा बांग्लादेश के बीच में विवाद के मुद्दे। पहला नदी जल बंटवारा। भारत में गंगा नदी पर सन 1960 में फरक्का बांध का निर्माण किया गया था, जिससे जिस पर बांग्लादेश का यह कहना है कि उन्हें सुरक्षित तथा पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, फिर है सीमा पार से घुसपैठ। 1971 के दौरान बांग्लादेश से घुसपैठ होने के कारण असम, बंगाल जैसे राज्यों की संस्कृति प्रभावित हुई है। यहाँ के मूल निवासी ही, कहाँ के, असम और बंगाल के, वो खुद मूल निवासी होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक बन गए हैं। तीसरा है बांग्लादेशी आतंकवादी शिविर। बांग्लादेश के कुछ आतंकवादी संगठन हैं, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जमाल उल दावा, ये सभी भारत में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फोर्थ है अवैध तस्करी। बांग्लादेश से कई प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स या आंधी, मतलब कि जो गांजा वगैरह होता है, ये नशीले पदार्थ इनका अवैध रूप से भारत में तस्करी इनकी की जाती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर, सीमा पार से घुसपैठ को लेकर, बांग्लादेशी आतंकवादी शिविर को लेकर और अवैध तस्करी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद बना रहता है। लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश ने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए। सबसे पहला है बांग्लादेश भारत के पूरब चलो नीति का हिस्सा है। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत वह म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से अपने संबंधों को सुधारने की बात कहता है। भारत और बांग्लादेश जो है, भारत और बांग्लादेश आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण जैसी समस्याओं पर मिलकर काम करते हैं। 2008 में शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तथा उन्होंने भारत को यह आश्वासन दिया था कि बांग्लादेश में स्थित जितने भी आतंकवादी शिविर हैं वो नष्ट करेंगे। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने भारत को कुछ अरब, सॉरी मतलब बांग्लादेश को कुछ अरब डॉलर देने की, मतलब सहायता देने का वादा किया है। ठीक है, देखिए पॉइंट 4 यहाँ पे है कि सन 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपको लगभग 20 अरब डॉलर देने का वादा करते हैं। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में ये निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। इन क्वेश्चन से बाहर आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का प्रश्न इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं आने वाला है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में सेकेंड बुक के MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।